शुरुआत बात सबसे पहले कर लेते हैं कोटा की। कोटा के नांता इलाके में पैंथर की दहशत बनी हुई है। नांता महल स्कूल में घुसे पैंथर की अब अलग अलग तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। पैंथर रात को मूवमेंट कर रहा है और इधर उधर टहलता हुआ नजर आ रहा है। चार दिन बाद भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने से लोगों में दहशत है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कई दिनों से भूखा प्यासा पैंथर अब कभी भी उन पर हमला कर सकता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ पुराने महल के 500 मीटर एरिए में घूम रहा है। इस इलाके में दो सरकारी स्कूल संचालित हैं और डर के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें सामने आई है, पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर स्कूल संचालित होते हैं, दो ऐसे में बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है स्थानीय लोगों की ओर से कि ये पैंथर भूखा प्यासा, ऐसे में कभी भी ये पैंथर स्थानीय ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों पर हमला कर सकता है, ऐसे में न केवल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए बल्कि इंतजाम पुख्ता तौर पर अब किए जाने चाहिए। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट वगैरह डिपार्टमेंट है इनकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं इस कार्रवाई से। शासन प्रशासन को जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। या किसी भी तरह की कोई अगर जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। तो देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ये ब्लर करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पैंथर ने यहाँ पर जानवरों पर भी हमला किया। ऐसे में अब लोगों को डर ये कि कहीं अब इंसानों पर ये पैंथर हमला ना कर दे। लोग ये कह रहे हैं कि इंतजाम किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहाँ पर की जाए क्योंकि पैंथर भूखा प्यासा, ऐसे में कभी भी ये स्थानीय लोगों पर हमला कर सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, ये बात कह रहे हैं स्थानीय लोग और कह रहे हैं कि कार्रवाई फिलहाल जो अभी हो रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ पुराने महल के 500 मीटर एरिया में घूम रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर है पैंथर की मूवमेंट की, दूसरी तस्वीर है उन जानवरों की जिन पर पैंथर ने हमला किया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।